Hey bros, we are taking bros back again with new video guys. So Adam लेके आ चुके हैं जो हमसे कोल्डहार्टली एल्बम का गाना छूट गया था, जिसकी आप सारे की बहुत सारी कमेंट आ चुकी है, जो MV बनता है और एक्स हेलाक ठीक हूँ मैं, प्रोडक्शन बाय BMX ऑफिशियल, म्यूजिक वीडियो बाय एल्बम कोल्डहार्टली। तो गाइस चलिए गाना सुनते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ओके पूरा गाने का ओके वो मिलती एक पल और पल दो पल में चली जाती, नजर नहीं मिलती थी अब दिल को वो नजर नहीं आती। मिली वो पल, मिली वो एक पल में दो पल में चली जाती, नजर मिली है उससे पल और पल दो पल में चली जाती, नजर नहीं मिली थी अब दिल को वो नजर नहीं आती। पहली बार में वो देखा हो तो उससे नजर भी नहीं मिली थी, और अभी वो दिल से मैं देखता हूँ उसको तो वो मुझे नजर भी नहीं आती। वो मिलती एक पल और पल दो पल में चली जाती, नजर नहीं मिलती थी अब दिल को वो नजर नहीं आती। तू मिलती थी तो दिल को था सुकून भैसरानी, कलम ये लिखता तो ये दिल को धड़कन है सरासी। तू जिंदगी थी, जिंदगी से काफी था खफा मैं, अब जो बात करती उसमें तुझको ढूंढता मैं। सुकून से जीने का था मौका जिसको खो चुका मैं, लोगों को छोड़ो यादों को ही पूछता मैं। तू नहीं तो क्यों ये दिल सुकून से मैं जीता था और तेरी यादों से मैं जीता था, लेकिन लोगों को क्या पूछूं अभी तो छोड़ो वो बातें। हो चुका मैं, लोगों को छोड़ो यादों को ही पूछता मैं। तू नहीं तो क्यों ये दिल बिना ही मानता, आशिकी का मतलब तूने ही सिखाया था। तू भी तो जाने कितना प्यार तुझसे करता हूँ मैं, नहीं है साथ तू पर मुस्कुराता दिखता हूँ मैं। ठीक हूँ मैं ओके तू छोड़ने के बाद अभी भी मैं गम में था, लेकिन अभी तू मुझे देखेगी तो मैं मुस्कुराता दिखता हूँ। नहीं है साथ तू पर मुस्कुराता दिखता हूँ मैं। ठीक हूँ मैं मतलब वो अपनी बंदी को, मतलब तुम्हें ऐसा लगता होगा कि तू नहीं है तो मैं ऐसा सैड होऊंगा, मैं रो रहा होऊंगा साइड में कोने में जाके रो रहा होऊंगा तेरे को याद करके, लेकिन नहीं मैं अभी ठीक हो चुका हूँ और मुझे अपनी मंजिल पर साथ तू पर मुस्कुराता दिखता हूँ मैं। ठीक हूँ मैं अकेला अपनी धुन में जिंदगी जीऊँ मैं, सोचता हूँ मैं फिर भी कुछ नहीं कहूँ मैं, असल का आशिक उब्रो आशिकी करूँ मैं। ठीक हूँ मैं असल का आशिक हूँ आशिकी करूँ मैं। और दिल में तो बहुत हो रहा है लेकिन लफ्जों में ना। ठीक हूँ मैं अकेला अपनी धुन में जिंदगी जीऊ मैं, सोचता हूँ मैं फिर भी कुछ नहीं कहूँ मैं, असल का आशिक उब्रो आशिकी करूँ मैं। स्टूडियो में वो दोनों गाना गा रहे हैं और ऐसा ही लग रहा है एकदम सिंपल तरीके से, वीडियो को भी दिखाया हुआ है कि दोनों आए हैं, दोनों चीज गा रहे हैं और तभी एक दो शॉट लेके पूरा ठीक हूँ मैं एक्सप्लेन कर रहा है, और बीच में जो उन्होंने वो जो रोबोट्स के जैसा लगाया था गुलाबी कलर का, उसके ऊपर हेडफोन्स लगा के देखा जो गांव में एक रोबोट्स की तरह भी हो चुके हैं, वो सभी दिखाना चाह रहे थे कि अभी आप लोग कुछ भी करोगे हमारे साथ लेकिन हम ठीक रहने वाले हैं और हम म्यूजिक के साथ रहने वाले हैं, इसलिए हमको कुछ नहीं होने वाला, हम अपने म्यूजिक और मिमिक्स भाई बीट के लिए तो आपको हैट्स ऑफ है, क्योंकि कोल्डहार्टली के ज्यादातर गाने में मिमिक्स भाई ने ही बीट दी हुई है और मेरे ख्याल से लोफी बीट में वो मास्टर है क्योंकि ये सारे गाने थे जो कोल्डहार्टली एल्बम में जो सारे लोफी स्टाइल ही लग रहे थे, जो एमए भाई ने कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया है DHS में, वो भी रैपर होके फिर ये कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया जो सक्सेसफुल भी हुआ है उनकी तरफ से, और हमारी तरफ से भी पूरा सपोर्ट उनको मिल रहा है। तनहरा हो पे सब यादों का हिसाब है, किताब लिख दूं तेरे बारे बेमिसाल में, खोया मैं कितना कुछ पर फिर भी ना मलाल है, ये दुनिया जानती नहीं हूँ मैं किस हाल में, साथ है तो बस बचे है कुछ याद तेरे, सारे सवालों का आया हूँ मैं हिसाब लेने, तेरे यादों ने मेरी नींद ली है छीन, सो जाओ तो भी मुझे आते है बस ख्वाब तेरे, बहका दिल तेरी यादें और तेरे ख्वाब,
ने मेरी नींद छीन ली है। तूने जब भी सोता हूँ तो ख्वाबों में और ख्यालों में एक तू ही दिखती है मुझे, कि तेरे मतलब तेरे तू मेरे दिमाग से भी जा ही नहीं पा रही है। तेरे ख्वाब और तेरी जो यादें चल रही है वो मेरे दिमाग में। हेलक भाई ने भी वही कहा था और एमए भाई भी वही फ्लो में जा रहे हैं। आज तेरे सारे सवालों का आया हूँ मैं हिसाब लेने, तेरे यादों ने मेरी नींद ली है छीन। सो जाओ तू भी मुझे आते है बस ख्वाब तेरे, बहका दिल ने तुझ पे दे दिया सजा मैं खुद को, न साथ रहना था तो कर दिया आजाद तुमको। असाब है ये पूरा हो ना पाया आरज़ू, कोई पूछता है तो फिर देता हूँ जवाब उनको। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं। मतलब वो कहना चाह रहा है कि तुमको आजाद रहना था इसलिए मैंने आजाद छोड़ दिया, और कोई भी पूछे तो क्या बताता हूँ तुम्हें, बताता हूँ ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं। जो आगे जो मतलब टाइटल है उसको पूरा एक स्टोरी की तरह चल रहा है कि पूरा तुम जैसे छोड़ के गई थी उसके बाद मैंने ऐसे ऐसे किया और बाद में कोई लोग मुझे पूछता है तो मैं बताता हूँ कि ठीक हूँ मैं। अपने दिन में जिंदगी जीऊं मैं, अफसोस से दिल में फिर भी कुछ नहीं कहूं मैं, असल का आशिक हूं ब्रो आशिकी करूं। ठीक हूं मैं, अकेला अपने दिन में जिंदगी जीऊं मैं, अफसोस से दिल में फिर भी कुछ नहीं कहूं मैं, असल का आशिक हूं ब्रो आशिकी करूं मैं। ठीक हूं मैं, अकेला अपने दिन में जिंदगी जीऊं मैं, अफसोस से दिल में फिर भी कुछ नहीं कहूं मैं, असल का आशिक हूं ब्रो आशिकी करूं। ओ मतलब पूरा पूरा गाना शूटिंग करते करते बनाया हुआ है और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं स्टूडियो में। और एक साइड पे मतलब रिकॉर्डिंग हो रहा था और एक साइड पे शूटिंग भी हो रहा था और आखिर में तो सारे मतलब जो भी थे म्यूजिक वाले थे या सारे लोग थे उनके दोस्त लोग सारे लोग एक साथ में गा रहे थे और पूरा एमवीवाई का पूरा आवाज ऑटोट्यून में डाल दिया था। और ठीक हूँ मैं ऐसा आशिक हूँ जैसे मैं आशिकी करूँ मैं और कभी तुझे भूलने की कोशिश नहीं करूंगा। बहुत सही मतलब वो टाइम से लेके अभी तक उन्हें याद है हैं। और तुम जब भी वो बताते नहीं पर वो ऐसे बोलते हैं कि ठीक हूँ मैं। हाँ मैं ऐसे ठीक हूँ तुझे नहीं बता सकता लेकिन मतलब ये जो टाइटल है गाने का ठीक हूँ मैं वही उसी का आंसर देते 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 पूरा गाना चला लास्ट तक वही चला। ओके गाइस वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक के सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ऐसे नए नए वीडियो के लिए लाते रहेंगे। और ये एल्बम में से और कोई गाना छूट गया हमारा से तो आप कमेंट करके बता देना, उसका भी जल्दी जल्दी रिएक्शन करने की कोशिश करेंगे। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।